दोस्तों आज हमें सॉल्व करना है 520 प्लस 60 माइनस 350। ठीक है, ये एक तरह से हमारे पास क्या है, पहले प्लस है फिर माइनस है। तो हमेशा हमें पहले क्या होता, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ हो तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे तो प्लस है वो माइनस है तो सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता बौद्ध मास का, तो बी ओ डी एम ये तो है नहीं चारों, लेकिन ए एस है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या आ रहा, एडिशन आ रहा, फिर क्या आ रहा, सब्ट्रैक्शन आ रहा। ठीक है, तो अब पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन। ठीक है, अगर मैं 5 और 60 को करूं, 520 प्लस 60 करूं तो कितना, 0 का 0 आ जाएगा और 2 8 और ये 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके, 580, और माइनस कितना है, 350। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं आराम से, माइनस का साइन है माइनस, तो 0 का 0 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 2, 5 में से 3 गया 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 230। कितना आया, 230। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे हम बी पार्ट देखेंगे, 242 माइनस 54 और प्लस 121। मैंने कहा पहले प्लस वाला होगा, तो प्लस कौन सा, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ये दोनों प्लस वाले, तो हम इसको क्वेश्चन को आगे लिख देंगे, 242 प्लस 121 माइनस 54, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बस बीच में इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम किसी डिजिट को कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 2 और 4 6, और 1 और 2 3, और ये माइनस 54। ठीक है, अब हम आराम से माइनस कर सकते हैं, 363 माइनस 54। ठीक है, तो यहाँ से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचा, 5, क्योंकि 1 यहाँ चला गया, अब यहाँ 5, 5 में से 5 गया 0 और ये 3, तो हमारा 309 आ गया। ठीक है, तो ये ढंग से हम इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू।